नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करेंगे टेलीप्राइम 5.0 से जीएसटीआर 1 की रिटर्न और जीएसटीआर 3 बी की रिटर्न को किस प्रकार से तैयार करते हैं, और इसके साथ साथ जो जीएसटी का नया फॉर्म अपडेट हुए जुलाई 2024 की मंथ के लिए जीएसटीआर 1A, तो इसको भी अपने टैली सॉफ्टवेयर को देख के किस प्रकार से फाइल करेंगे। तो ये क्या जो जीएसटीआर 1A रिटर्न है, ये क्या सभी बिजनेसमैन को फाइल करना जरूरी है? अगर जरूरी है तो इसकी कंडीशन क्या है और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, और अगर हमें जीएसटीआर 1 की फाइल करने की ज़रूरत पड़ती है तो इससे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी कि जो हमने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कर रखी है किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर अपने प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे टेलीप्राइम 5.0 के साथ, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट रिलीज है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी आप लोगों को इस चैनल पर इसी टाइप की नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं टेलीप्राइम 5.0 से अपने को जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी अपने को तैयार कैसे करनी होती है, फिर अपने डिस्कस करेंगे जीएसटीआर 1A और 1A का जो डिफरेंस है उसके बारे में। तो सबसे पहले टेली सॉफ्टवेयर से जीएसटी रिपोर्ट पे जाने के पास हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक अपने शॉर्टकट भी जा सकते हैं एल्ट जी के साथ, जहाँ अपने को सर्च करना होता है जीएसटीआर 1। तो जैसे अपने यहाँ पर जीएसटीआर 1 को सर्च करेंगे, अपने जीएसटीआर 1 पे आ जाएंगे, और अभी हमें जुलाई मंथ की रिटर्न फाइल करनी है तो अपने 1/7 से लेके और 31/7 का अपने टाइम पीरियड यहाँ पे देंगे। तो जैसे हमने टाइम पीरियड दिया तो आप देखोगे हमारे पास में B2B की ट्रांजेक्शन है और B2C की भी ट्रांजेक्शन है, और अभी तक अपने नॉर्मली हमेशा टेली सॉफ्टवेयर से इसी प्रकार से जीएसटीआर 1 की रिटर्न को तैयार करते आ रहे हैं। तो इसके अंदर भी आपको कोई नया चेंजिंग देखने को नहीं मिला, लेकिन 5.0 के अंदर आप लोगों को एक मैसेज यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगा कि आपने जो जीएसटी के पोर्टल पर लास्ट एक्टिविटी कब करी थी, 4 अगस्त को आपने करी थी, टाइम पीरियड के साथ में भी आप लोगों को बताएगा। ठीक है, तो अगर अपने सेल की वैल्यू की बात करें तो 2200 रुपये सेल की वैल्यू है, 139.50 रुपये 139.50 रुपये टैक्स की अमाउंट आप लोगों को दिख रही है। और ये अपने एक बार जीएसटीआर 3B को भी देख लेते हैं, डिस्प्ले पे चलते हैं, ट्रेजरी रिपोर्ट पे जाएंगे, जीएसटी रिपोर्ट पे और जीएसटीआर 3B, तो यहाँ पर भी अपने को टाइम पीरियड देना है 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई। ठीक है, तो यहाँ अगर अपने डिटेल में देखें तो यहाँ पर भी आप लोगों को 2200 रुपये की टैक्सेबल वैल्यू और ये CGST और SGST के अमाउंट दिख रही है, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B। लेकिन अब अपने बात करते हैं जीएसटीआर 1A की, तो यानी कि जीएसटीआर 1A हमें कब फाइल करने की ज़रूरत है। अब जीएसटीआर 1A फाइल करने की अगर हमें ज़रूरत तब पड़ेगी अगर अपनों ने जब हमने जीएसटीआर 1 फाइल करी थी उसके अंदर अगर अपने से कोई गलती हो गई हो, बाई मिस्टेक गलती अगर कोई रह गई हो, कोई डाटा अपडेट होने से रह गया हो, तो उसका सुधार आप अपने सेम मंथ के अंदर जीएसटीआर 1A में कर सकते हैं। लेकिन अभी तक क्या होता था, मान लीजिए आपने जीएसटीआर 1 के अंदर कोई सेल के अंदर मिसमैच हो गया, कोई परसेंटेज वाइज सेल रह गई हो, या B2B B2C की ट्रांजेक्शन के अंदर कोई मिसमैच हो गया हो, तो अपने पास ऑप्शन था अपने नेक्स्ट मंथ की जब रिटर्न फाइल करते थे तो उसके अंदर अपने अपडेट कर देते थे। लेकिन अब ये जीएसटीआर 1A का मतलब हो गया कि आप अपने जीएसटीआर 1 की रिटर्न को अमेंडमेंट कर सकते हैं, यानी कि उसके अंदर एडिटिंग चेंजिंग थोड़ा बहुत अगर है तो आप अमेंडमेंट कर सकते हैं उसके अंदर। जीएसटीआर 1A इसका नया फॉर्म दे दिया, A का मतलब हो गया अमेंडमेंट का। ठीक है, लेकिन अब गलती होगी किस प्रकार से और सुधार उसका होगा कैसे, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आता है। देखो सबसे पहले अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहेगा, जीएसटीआर 1 की जो रिटर्न अपनी है, जीएसटीआर 1 के अंदर अपने रिपोर्ट करते हैं टोटल सेल की, और सेल के अंदर भी अपने B2B की सेल हमारी कितनी है, B2C की सेल हमारी कितनी है, इसके साथ हमारे क्रेडिट नोट डेबिट नोट कितने हैं, HSN वाइज सेल अपने करते हैं, एग्जम्प्ट सेल करते हैं तो एग्जम्प्ट सेल भी अपने शो करते हैं कि हमने इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन कितनी करी है, इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन कितनी करी है, और उसके अंदर भी अपनों ने B2B लोगों को कितना सेल किए और B2C को कितना सेल किए, और हमारी डॉक्यूमेंट समरी रहती है भी कितने अपनों ने इनवॉइस नंबर इशू करे हैं, कितने क्रेडिट नोट कितने डेबिट नोट वगैरह, वो डिटेल हमारी रहती है। तो अब मान लीजिए B2B और B2C की ट्रांजेक्शन के अंदर अपनों ने गलती कोई होगी, अब देखो ये गलती का चांस कहाँ सबसे ज़्यादा रहेगा, भी जहाँ अभी भी मैनुअल इनवॉइसिंग साथ चल रही है, यानी कि ऐसे कोई भी बिजनेसमैन जो अपने कस्टमर को मैनुअल यानी कि हाथ से बिल बना के देते हैं
और उस हाथ से काटे हुए बिल को बाद में वो अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर पोस्टिंग करते हैं, तो वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा गलती रहती है GSTR 1 के अंदर। तो उनके लिए ऑप्शन रहेगा कि आप अपने सेम मंथ के अंदर GSTR 1A को फाइल करके अपनी जो भी कोई मिस्टेक रही है वो आप सुधार कर सकते हो। ठीक है, अब अपनी चलते हैं इसको प्रैक्टिकल समझने के लिए टैली सॉफ्टवेयर पर। अपनों ने टैली सॉफ्टवेयर पे GSTR 1 को ओपन करते हैं। 31 जुलाई तक यानी कि जुलाई मंथ का मैंने पीरियड दे दिया। अब मान लीजिए यहाँ आप देखोगे मेरे पास एक B2B इनवॉइस है, यानी कि मैंने एक रजिस्टर्ड पार्टी को सेल किया हुआ है। और B2C की अगर अपने बात करें तो B2C के अंदर दो वाउचर है। आप देखोगे यहाँ पर भी वाउचर संख्या आपकी दो आ रही है, एक नंबर वाउचर और दो नंबर वाउचर। एक केस इनवॉइस है और दूसरा कस्टमर के नाम से है। ठीक है, अब दिक्कत आपको यहाँ आएगी। मान लीजिए ये राकेश कुमार है, अपनों ने क्या किया इसको B2C की ट्रांजेक्शन के अंदर GSTR 1 के अंदर रिपोर्ट कर दिया, हमने B2C को भेज दिया। लेकिन बाद में राकेश कुमार ने हमारे को इन्फॉर्मेशन दी कि मेरे पास में भी GST नंबर है, तो मेरे को भी जो आपने इनवॉइस दिए और आपने जो टैक्स लिया GST का, इसका मेरे को भी इनपुट चाहिए। ठीक है, तो अब अपने इनपुट अभी इसको कब मिलेगा? अभी तक हमारे पास ऑप्शन था कि आप अपने को जब अगस्त मंथ के अपने GSTR 1 की रिटर्न को फाइल करेंगे तब अपने इसका B2C की सेल को तो अपने कम करेंगे और B2B की सेल को अंदर इसको ऐड करवाएंगे। कब? जब अगस्त मंथ की रिटर्न अपने सितंबर मंथ के अंदर फाइल करेंगे तब ये अपडेट होगा। लेकिन अब GSTR 1A के अंदर क्या होगा, अभी आप अपने इस रिपोर्ट को अपडेट करा सकते हो। अब करना क्या होगा, मान लीजिए राकेश कुमार के पास में GST नंबर है, सेल अभी भी हमारे पास 2200 रुपये की है, तो अपने बुक्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, B2C की सेल कम हो जाएगी और B2B की सेल है जो बढ़ जाएगी। अगर अपने B2B की बात करें तो आप देखोगे एक इनवॉइस है और 150 रुपये की टैक्सेबल वैल्यू है। अब मान लीजिए राकेश कुमार ने हमारे को GST नंबर अपडेट करवा दिया, तो अपनों ने क्या किया, राकेश कुमार के अकाउंट पे गए, लेजर पे जाके अल्टर किया और यहाँ पर इसको कर दिया रेगुलर, और रेगुलर करने के बाद में इसका यहाँ अपनों ने GST नंबर डाल दिया। अपनों डेमो के लिए एक बार अपने कोई GST नंबर ले लेते हैं, कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और यहाँ इफेक्टिव डेट पूछेगा कब से, तो अपनों ने एक बार इसको स्टार्टिंग ही कर देते हैं 1/4 से, एंटर प्रेस कर दिया और कंट्रोल ए बटन से सेव कर दिया। अब इससे क्या होगा कि अब हमारी जो B2B की सेल, अभी यहाँ पर देखोगे आपको एक एरर दिखा रहा है, ये एरर नहीं होना चाहिए। अब एरर आने के कारण क्या है, मिसमैच रजिस्ट्रेशन डिटेल बिटवीन पार्टी एंड ट्रांजेक्शन, तो अपने इसको मास्टर को अपडेट कर देंगे। मास्टर को अपडेट करने से क्या हो गया, अब हमारा डाटा B2B की जो सेल थी अब वो बढ़ गई और B2C की जो सेल है हमारी कम होगी, लेकिन जो सेल थी हमारी टोटल वो अभी भी 2200 रुपये की है। यानी कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन रिटर्न के ऊपर इसका जरूर इफेक्ट पड़ गया। अब क्या हुआ, जो हमने GSTR 1 की जो रिटर्न फाइल कर दी थी उसके अंदर तो हमने 150 रुपये का B2B की ट्रांजेक्शन दिखा दी थी एक पार्टी के साथ, लेकिन बाद में पता चला राकेश कुमार के पास GST नंबर है, तो हमारी बुक्स के अंदर तो हमने सही कर लिया लेकिन वन के अंदर अभी सही नहीं हो पाएगा क्योंकि वन हमने फाइल कर चुके हैं। तो अब इसका हमें बेनिफिट मिलेगा GSTR 1A फाइल करने का। अब 1A अगर अपने फाइल करेंगे तो सिंपल सा फॉर्मेट है, यहाँ पर अपना GST नंबर आएगा, लीगल नेम आ जाएगा और ट्रेड नेम आ जाएगा। और यहाँ जो तीन नंबर जो इनका पॉइंट है, भी टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज अदर देन दी सप्लाई कवर्ड इन टेबल नंबर 4। यानी कि जो आपने GSTR 1 का जो टेबल नंबर 4 आपने फाइल किया था उसके अंदर अपने कोई गलती होगी है तो अपने इस तीन नंबर पॉइंट के अंदर, टेबल नंबर 3 के अंदर अपने सुधार कर सकते हैं। तो GSTR 1 का टेबल नंबर 4 कौन सा हो गया, अगर अपने GSTR 1 को ओपन करें तो ये इसका टेबल नंबर 4 है। अब इस टेबल नंबर 4 के अंदर क्या आ रहा है, टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि आपने GSTR 1 रिटर्न फाइल करी थी तो आपने B2B लोगों की डिटेल अपनों ने 4 नंबर पॉइंट के अंदर दी थी। तो अब इसका जो टेबल नंबर 4 था GSTR 1, ये कह रहा है भी आपने GSTR 1 के जो टेबल नंबर 4 में जो डाटा दिया था उसको अब यहाँ अमेंडमेंट कर सकते हो। GST नंबर है, इनवॉइस की डिटेल, नंबर, डेट, वैल्यू, टैक्स रेट कितना है, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, IGST, CGST, SGST सेट, पहले सब सप्लाई, जैसा कि अपने GSTR 1 के अंदर दे दें तो वो अब यहाँ आप चेंज कर सकते हो। तो अपने क्या करेंगे, अब राकेश कुमार का जो रिकॉर्ड है अब अपने इसको यहाँ अमेंडमेंट कर सकते हैं GSTR 1A के अंदर।
है, अगर आपके ऑलमोस्ट अगर आप कस्टमर ने पहले प्रोवाइड करवा दिया जीएसटी नंबर, तो आपका जीएसटी R1 बिल्कुल सही गया, तो आपको जीएसटी R1A फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो अब सीधा सीधा मतलब ये हो गया, भी अगर आपसे कोई जीएसटी R1 के अंदर कोई मिस्टेक हो चुकी है तो अपने जीएसटी R1 के अंदर सेम मंथ के अंदर अपने उसको सुधार कर सकते हैं। लेकिन अब ये जीएसटी R1A आपके पोर्टल पे तभी आपको हाईलाइट होगा अगर आपने जीएसटी R1 फाइल कर दी। और ये जीएसटी R1 दूसरी कंडीशन इसकी यही है कि आपको इसको जीएसटी R अपनी 3B फाइल करने से पहले पहले आपको 1A को अगर आपको अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है तो आप कर सकते हो। जैसे ही आपने जीएसटी R3B फाइल कर दिया तो ये भी आपका वहाँ पर 1A है जो इफेक्ट एक तरह से डीएक्टिव हो जाएगा 1A, क्योंकि अब इसके अंदर 3B फाइल करने के बाद आप 1A को फाइल नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा बेनिफिट हमें क्या मिलेगा, अगर हमारी कोई सेल ट्रांजेक्शन है और हम चाहते हैं कि हमारी 3B की जो अगर हम सेल जो दे रहे हैं वो हमारी जीएसटी R1 के अंदर जो सेल दी थी वो हमारी 3B के साथ में मैच करते रहे। मान लीजिए अभी हमने जो चेंजिंग करी थी टैली सॉफ्टवेयर के अंदर, तो जीएसटी R1 के अंदर जो रिकॉर्ड किया, हालांकि सेल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सेल उतनी है, लेकिन 3B के अंदर इफेक्ट कब आएगा, जब मान लीजिए अपनों ने किसी सेल इनवॉइस के अंदर कोई चेंजिंग कर दी। मान लीजिए ये केस इनवॉइस है और कस्टमर हमें कोई प्रोडक्ट वापस कर गया, तो अपनों ने कस्टमर को क्रेडिट नोट देने की बजाय अपनों ने जो उसको इनवॉइस इशू किया था उसी इनवॉइस के अंदर चेंजिंग कर दी। मान लीजिए ये कोई जीएसटी 12% की आइटम है, 9 पीस अपनों ने कस्टमर को सेल किए थे, कस्टमर ने 2 पीस वापस कर दिए, तो एक तरीके से ये 7 इनवॉइस हो गए। तो मैंने क्या किया, इसको इनवॉइस में चेंजिंग कर दी। अब जैसे इनवॉइस में चेंजिंग करेंगे तो इसके टैक्सेबल अमाउंट पे भी इफेक्ट आएगा और इसके टैक्स के अमाउंट के ऊपर भी इफेक्ट आएगा और जो इनवॉइस की टोटल वैल्यू है उसके ऊपर भी इफेक्ट आएगा। अपनों ने इसको सेव कर दिया तो अब हमारी जो जीएसटी R1 के अंदर जो हमारी रिपोर्ट गई है, और अब अपने जो जीएसटी R3 जो तैयार करेंगे उसके अंदर टैक्सेबल अमाउंट का और टैक्स के अमाउंट का भी डिफरेंस है जो शो करेगा। तो आप इस टाइप का अगर कोई डिफरेंस आपका आता है तो वो भी अपने जीएसटी R1A के अंदर इसको अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपसे मान लीजिए कोई डेबिट नोट या कोई क्रेडिट नोट के अंदर कोई मिसमैच हो चुके हैं तो वो भी अपने यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जीएसटी R1A का फॉर्म हो गया। जीएसटी R1 के अंदर किसी भी टाइप का अगर कोई मिसमैच है, कोई गलती है, तो आप 1A के अंदर यानी कि अमेंडमेंट उसका आप कर सकते हो। कंडीशन यही है कि आपको 3B फाइल करने से पहले इसको अमेंडमेंट करना पड़ेगा और जीएसटी R1 फाइल करने से पहले आप 1A फाइल नहीं कर सकते। और दूसरा इसका जो मेन डिसएडवांटेज जो मेरे को लग रहा है वो ये भी मान लीजिए, अभी हमने राकेश कुमार का जीएसटी नंबर अपडेट कर दिया, 1A के अंदर इसकी रिपोर्टिंग भी कर दी, लेकिन अब इसका बेनिफिट राकेश कुमार को कब मिलेगा, नेक्स्ट मंथ के अंदर, सेम मंथ के अंदर यानी कि जुलाई मंथ का जो इसका LTC है वो उसके 2B के अंदर इफेक्ट अब नहीं करेगा, क्योंकि हमने 11 तारीख तक हमने जीएसटी R1 के रिटर्न को फाइल कर चुके थे। जैसे हमने फाइल किया, अगर मंथली की कंडीशन के अंदर अपने 11 तारीख को फाइल करते हैं और क्वार्टरली की कंडीशन के अंदर अपने 13 तारीख तक अपने रिटर्न को फाइल करते हैं जीएसटी R1 को, तो जैसे 13-14 तारीख कंप्लीट होगी तो 14 तारीख के बाद अपने जीएसटी R1A को फाइल करेंगे। तो अब इसका जो डाटा रिफ्लेक्ट होना है वो आपको नेक्स्ट मंथ में यानी कि जुलाई मंथ के अंदर आपके कस्टमर को इसका इनपुट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो उसको नेक्स्ट मंथ यानी कि जब वो आगे वाली महीने की रिटर्न फाइल करेगा तब उसके 2B के अंदर वो डाटा रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होगा। तो आई होप कि आप अच्छी तरीके से इसको समझ गए होंगे, जीएसटी R1 और 1A का डिफरेंस। तो हमें टैली सॉफ्टवेयर के अंदर या जो भी आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो उसके अंदर हमें जीएसटी R1A को अपडेट कराने की ज़रूरत नहीं है उस फॉर्म को, और ना ही हमें ढूंढने की ज़रूरत है, क्योंकि ये काम केवल ऑनलाइन का है और ये एक ऑप्शनल रिटर्न है, ये सभी बिजनेसमैन को भरने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल उन्हीं लोगों को फाइल करने की ज़रूरत है जिनके जीएसटी R1 के अंदर कोई मिस्टेक हो चुकी है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको जरूर कुछ नॉलेज मिलेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर देना, क्योंकि इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी लगातार हम देते रहेंगे। और आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।